आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 यहाँ दिख रहा होगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 का क्या उपयोग किया जा रहा है, ये भी आपके सामने स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी में मक्का इस समय सूख रहा है, चारों तरफ आपको जहां चले जाएं सड़कों पर मक्का बिखरा हुआ दिख रहा है। मक्के के दाने कमोबेश गोल ही माने जा सकते हैं और ये दोपहिया वाहनों के दुर्घटना का सबब बनते हैं। सड़कों पर एक आप देख सकते हैं, सड़क के किनारे जो सर्विस रोड है, उस सर्विस रोड पर मक्का सूखता हुआ दिख रहा होगा। सिवनी के दो सांसद हैं, बालाघाट सांसद भारती पारधी और मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, चूँकि केंद्र का मामला है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 हुआ करता था, अब राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 हो गया है। दोनों सांसद मौन हैं, चारों विधायक मौन हैं और तो और इस सड़क का जो सड़क है, इस सड़क का रख रखाव करने वाली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारी भी पूरी तरह मौन है। ये बंडोल के पास का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, आपको पूरे ज़िले में कहीं भी निकल जाएं आपको इसी तरह का नज़ारा दिखाई देगा। दरअसल मक्के को सुखाने के लिए सड़क, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इससे मुफीद और कोई जगह नहीं मिलती है। अगर देखा जाए तो इस मक्के को यहाँ आप जो सूखता हुआ देख रहे हैं, NHAI के का PD ऑफिस सिवनी में होता था। सांसदों की ये कहा जाए कि सिवनी के जितने भी सांसद रहे हैं, उन सारे सांसदों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण सिवनी का परियोजना निदेशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर PD ऑफिस सिवनी से सबसे पहले नरसिंहपुर गया, नरसिंहपुर के बाद छिंदवाड़ा चला गया, जबकि सिवनी में 1000 करोड़ से ज़्यादा के काम चल रहे थे। उसके बाद भी पूर्व सांसद डॉक्टर डाल सिंह बिसेन इसे सिवनी नहीं ला पाए। वर्तमान में सांसद हैं भारती पारधी, वे भी शायद ही इसे सिवनी लाने में इच्छुक हों। बहरहाल इस सड़क के रख रखाव के लिए NHAI के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये जानकारी दी है। हम आपके साथ वो जानकारी साझा कर रहे हैं जो सूत्र बता रहे हैं कि इस सड़क के सिवनी से लखनादौन तक के सड़क के हिस्से के लिए और सिवनी से मोगांव तक के सड़क के हिस्से के लिए 19.5 करोड़ रुपये हर 6 महीने में ठेकेदार को भुगतान किया जाता है। और उसके जरिए ठेकेदार की ये जवाबदेही है कि वो इस सड़क पर हाईवे पेट्रोलिंग वाहन चलाए, एम्बुलेंस उपलब्ध कराए, क्रेन उपलब्ध कराए, जो भी रोड साइड असिस्टेंस हैं वो उपलब्ध कराने की जवाबदेही ठेकेदार और NHAI की है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर हाईवे पेट्रोलिंग हो रही है, हाईवे पेट्रोलिंग का वाहन चल रहा है, तो क्या उसे ये मक्का सड़कों पर सूखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? एक और मज़ेदार बात हम आपको बताते हैं, अगर आप 1033 जो एक हेल्पलाइन नंबर होता है NHAI का, उस पर आप शिकायत करते हैं, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा शिकायत की गई, वहाँ से जवाब आता है कि उन्हें समझाइश दे दी गई है, मक्का हटवाया जा रहा। सवाल यही खड़ा हुआ कि हर साल सितंबर अक्टूबर नवंबर महीने में सड़कों पर मक्का सूखता नज़र आता है, हर साल ही समझाइश दी जाती है। इस तरह से अगर 1033 को काम करना है, सांसद भारती पारधी आप भी इसमें संज्ञान लें, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते आप भी इसमें संज्ञान लें और सबसे महत्वपूर्ण संज्ञान जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता को लेना चाहिए। सबसे अधिक और महत्वपूर्ण संज्ञान जिलाधिकारी सिवनी सुश्री संस्कृति जैन को लेना चाहिए। सड़कों पर इस तरह से अगर मक्का सूख रहा है तो ये अवैध काम है। यातायात पुलिस को, बंडोल पुलिस को, कुरई पुलिस को, लखनवाड़ा पुलिस को, कोतवाली पुलिस को
इसके अलावा छपारा और लखनादौन धूमा पुलिस को जितने भी पुलिस थाने हैं सभी पुलिस थानों को ताकीद किया जाना चाहिए कि सड़कों पर इस तरह से अगर व्यवधान पैदा किया जा रहा है तो ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता है। हम हर एक दर्शक जो दर्शक से देख रहा है हर एक दर्शक से ये देखिए किस किस तरह से यहाँ पर सर्विस रोड पर मक्का सूख रहा है और सर्विस रोड के साइड में अगर आप देखेंगे जो मुख्य सड़क दिख रही है उस पर कितनी गिट्टी बगरी हुई दिखाई दे रही होगी। ये देखिए यहाँ पर आपको सड़क हम दिखा रहे हैं, इस सड़क पर मक्का यहाँ सूखता हुआ दिख रहा है। सिवनी विधायक दिनेश राय, लखनादौन विधायक योगेंद्र सिंह, बरघाट विधायक कमल मस्कोले, केवलारी विधायक रजनीश सिंह, वे भी इन सड़कों से आना जाना करते होंगे पर उनकी उन्हें भी अभी तक ये सब विसंगतियाँ दिखाई नहीं दी। देख सकते हैं आप बाईं तरफ, यहाँ पर आप अगर हम दिखाएं तो बाईं तरफ सर्विस रोड पूरी तरह कब्जे में है। इसी तरह सिवनी शहर की अगर हम बात करें, सिवनी शहर से अगर आप निकल जाएं किसी भी तरफ, अगर आप रेलवे के माल गोदाम में चले जाएं जो यहाँ पर यार्ड के थोड़ा आगे जहाँ पर माल धक्का जिसे कहा जाता है, ये देखिए सिवनी 17 किलोमीटर, ये आप यहाँ से अगर चलते हैं आप तो भी आपको सड़क के किनारे मक्का सूखता हुआ दिखाई दे जाएगा। सिवनी का जो रैक पॉइंट है, रैक पॉइंट पर मक्का सूख रहा है। इसके अलावा जिला अधिकारी संस्कृति जैन, जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता, आप दोनों को हम ये जानकारी आपको आपकी जानकारी मिला रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर मक्का किस कदर बेखौफ सूख रहा है और दोपहिया वाहन चालक यहाँ से बच बच कर निकलते हुए जाते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए NHAI का वाहन भी आपके सामने, नीले रंग का NHAI का हाईवे पेट्रोलिंग जा रही है। इसके बाद भी अगर मक्का सूख रहा है तो ये इसे मक्कारी की संज्ञा दी जा सकती है। सिवनी में अगर पुलिस अधीक्षक निवास से आप बबरिया की तरफ जाएंगे तो मानेगांव तिराहे से मानेगांव की तरफ जाइए, मानेगांव तिराहे से जब आप मानेगांव से होते हुए और बाईपास पर जाकर मिलते हैं तो पूरी सड़क को इस मक्के को सुखाने के लिए कब्जा कर लिया गया है। ट्रक खड़े हुए हैं, आप वहां से निकल नहीं सकते। अगर आपका वाहन वहां से निकलता है तो लड़ने पर ये लोग आमादा हो जाते हैं और रात को सुखाने ओस ना गिरे इसके लिए आप देख सकते हैं बाजू में पॉलीथिन भी उनके द्वारा पॉलीथिन का इंतजाम भी करके रखा हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि मक्का एक दिन नहीं कम से कम 4 से 5 दिन सुखाने के लिए डाला जाएगा। लोग इस पर अभी कमेंट ये भी करेंगे कि किसान है कहां मक्का सुखाएगा, तो इसके लिए सड़क मुफीद नहीं है, सड़क उचित नहीं है। हम उनसे कहना चाहेंगे किसानों को मक्का सुखाने के लिए सांसद और विधायक अपनी सांसद और विधायक निधि से कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनवा दें जहां पर मक्के को सुखाया जाए। सड़क चलने के लिए होती है, यातायात के लिए होती है और सर्विस रोड इसीलिए बनाई जाती है ताकि मुख्य सड़क पर मिलने की अप्रोच रोड बन सके। किसान के समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया किसानों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, उनके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए पर जो नियम कायदे हैं उन नियम कायदों का पालन भी सुनिश्चित कराने के लिए ही अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन मिलता है, ये बात भी सभी को समझना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं मक्का यहाँ पर बगरा हुआ दिख रहा होगा और मक्का किस तरह से यहाँ सड़क किनारे पॉलीथिन रखी हुई है, जिस पॉलीथिन को उसके ऊपर डाल दिया जाएगा रात के समय में ताकि उसमें वो गीले ना हो पाए। जिलाधिकारी सिवनी को, पुलिस अधीक्षक सिवनी को, सिवनी जिले के चारों विधायकों को, सिवनी जिले के दोनों सांसदों को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले में विपक्ष में बैठी कांग्रेस की तोप, जो तोपे हैं प्रवक्ता रूपी तोपे हैं, वे भी मौन धारित किए हुए हैं। पता नहीं कारण क्या हो सकता है इसका। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।